नमस्कार, मैं हूं नूतन और आप देख रहे हैं न्यूज बुलेटिन खबरें दिन भर की। 48 घंटे की भारी बर्फबारी के कहर से जम्मू कश्मीर के जोजिया में बर्फ की मोटी परत। जोजिया में दो घंटे तक फंसे रहे दो ट्रक, दूर दूर तक नहीं था खाने का इंतजाम, रोड टास्क फोर्स ने किया रेस्क्यू। राजौरी मुगल रोड में हटाई गई बर्फ की मोटी परत, फिर से खुला रोड। कल केदारनाथ मंदिर जाएंगे पीएम मोदी, मंदिर पर दिखी भव्य सजावट। मंदिर को सजाने में लगाए 3 टन से अधिक फूलमाला, 5,000 से ज्यादा दीयों से जगमगाएगा केदारनाथ का मंदिर। पीएम मोदी के दौरे को ध्यान में रखते हुए रास्तों से हटाई जा रही है बर्फ। आज अयोध्या के दीपोत्सव में शिरकत करेंगे योगी आदित्यनाथ। सरयू तट पर 3 लाख दीयों को जलाकर मनाया जाएगा कीर्तिमान, 15 फीट ऊंचे दीये को जलाकर योगी करेंगे शुभारंभ। अयोध्या पहुंचने से पहले योगी ने कही थी खुशखबरी देने की बात, लोगों को है इंतजार। दिग्विजय सिंह ने कहा नफरत फैलाती है संघ की विचारधारा। बोध गया के होटल से लापता हुए लालू के बेटे तेज प्रताप, सुरक्षा कर्मियों को चकमा देकर होटल से निकले। होटल के बाहर पहरा दे रहे थे सुरक्षा कर्मी, दूसरे रास्ते से बाहर निकले तेज प्रताप, नहीं होने दी भनक। दिल्ली के डीयू के अशोक नगर में एक लड़की से गैंगरेप, पार्टी के बहाने घर बुलाकर रेप, 4 दोस्तों पर है आरोप। रेप पीड़िता के मुताबिक समझौता करने का दबाव बना रही है पुलिस, बात न मानने पर एक महिला पुलिसकर्मी ने पीटा। लखनऊ पहुंचे इंडिया और वेस्ट इंडीज की टीमें, कल खेला जाएगा T20 का दूसरा मुकाबला। 30 साल के हुए टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली, हरिद्वार के आश्रम में अनुष्का संग मनाया जन्मदिन। ट्रंप ने घुमाया शिपिंग को फोन, व्यापार को लेकर हुई बातचीत। संघाई में पहले इंपोर्ट एक्सपोर्ट का हुआ आयोजन। क्यूबा में एंटीक कारों की रैली, लोगों ने उठाया पुरानी कारों को देखने का लुत्फ। 10,000 लैंप से जगमगाया लंदन टावर, पहले विश्व युद्ध के 100 साल पूरे होने का जश्न। और अधिक खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें डेली 99।